हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पैराडाइज गार्डन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे और अपनी गार्डनिंग भी बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे फ्रेंड्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी चाइनीज़ फ्रेंच बुश में कितने अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है और कितने खूबसूरत और कितने प्यारे इनके फूल दिखते हैं। देखिए नीचे जो है पूरा ये फूलों से धीरे धीरे करके भर रहा है और बहुत ही प्यारे, और इनका कलर भी कितना खूबसूरत और कितने डेलिकेट ये फ्लावर्स लगते हैं। तो आप जो है ज़रूर इस प्लांट को अपने गार्डन में लगाइए। इसकी लीव्स देखिए कितने खूबसूरत कलर की होती हैं, इतनी डार्क, और साथ में ये मजेंटा कलर की जो फ्लावर्स निकलते हैं बहुत ही यूनिक और बहुत ही डिफरेंट है। और ऐसा लगता है दूर से अगर देखने जाएँ, बस कलर को अगर छोड़ दें, तो ऐसा लगता है जैसे ये बेरी का ही पौधा है। तो बिल्कुल बेर के जैसे इसके पत्ते होते हैं और फूल तो बस क्या कहने। तो आप ज़रूर इसे जो है अपने गार्डन में लगाइए फ्रेंड्स। और चलिए आज का टॉपिक क्या है, आज का टॉपिक कुछ सकुलेंट से रिलेटेड है। तो आप देख सकते हैं मैंने किस तरह अपने गार्डन में जगह जगह पर सकुलेंट्स लगाए हुए हैं। तो सकुलेंट्स जो है फ्रेंड्स आराम से कटिंग से भी लग जाते हैं। इस तरह के जो सकुलेंट्स होते हैं जिनकी ये स्टेम्स होती हैं, ये तो आराम से स्टेम कटिंग से भी लग जाते हैं क्योंकि इनके हर नोड पर रूट्स निकलती हैं। कुछ ये है, कुछ ये देखिए, इस तरह मैंने ये एचिवेरियाज लगाए हैं। तो ये जो है स्टेम से भी लग जाते हैं और लीव से भी प्रोपगेट हो जाते हैं। और मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए ये डोंकी स्टेल और बरो स्टेल, ये सब ये स्टेम कटिंग से भी, और इनको भी आप आराम से एक एक लीफ लेके भी प्रोपगेट कर सकते हैं। और ये वाला पॉट देखिए फ्रेंड्स, इसे जो है पता नहीं कबूतरों को ये वाला पॉट मेरा बहुत पसंद है। मैं इसे जहाँ भी रखती हूँ वो आके इसके ऊपर चढ़ेंगे और इसके इतने सारे पत्ते जो हैं चोंच मार मार के गिरा देते हैं या खुद अपने पैरों के नीचे कुचल देते हैं। तो मेरा ये पॉट जो है बेचारा भर ही नहीं पा रहा है सिर्फ और सिर्फ इन कबूतरों की वजह से। तो बहुत सारे मेरे कुछ पत्ते जो हैं इन्होंने और फिर से ख़राब कर दिए, गिरा दिए। तो आज मैं उन्हीं को प्रोपगेट करने जा रही हूँ, तो सोचा आपके साथ क्यों ना शेयर कर लूँ यही। तो ये देखिए यहाँ पर किस तरह ये बेचारा मेरा पॉट इतना खाली खाली सा है, लेकिन मैं आपको दिखा दूँ कि इसमें भी मैंने कुछ सकुलेंट्स जो है लीव्स से ही प्रोपगेट करे हैं। ये वाला जो सकुलेंट आप देख रहे हैं ये भी मैंने लीव से ही प्रोपगेट किया है फ्रेंड्स। बहुत ही छोटा सा बेबी था और अब देखिए कितना बड़ा हो गया है। ये भी मैंने लीव से ही प्रोपगेट करे हैं। ये वाला मैंने कटिंग से प्रोपगेट किया है और ये वाला जो है ये मैंने कटिंग से स्टेम कटिंग से प्रोपगेट किया है। इतना बड़ा ये जो है इसका मदर प्लांट है और इसमें से आप साइड से ये देख सकते हैं इतने सारे ये सब पप्स निकल रहे हैं। और आप नीचे भी देखें कितने सारे पत्ते गिरे हुए हैं ना इनके, ये सब कबूतरों के काम है। तो कबूतरों को मेरे सकुलेंट्स बहुत पसंद है, उनको बहुत अच्छा लगता है मेरे सकुलेंट डिश को ख़राब करना। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आप किस तरह जो है सकुलेंट्स को लीव से या स्टेम कटिंग से प्रोपोगेट कर सकते हैं। और उससे पहले देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा एक एचिवेरिया का पॉट है और इस पूरे पॉट को जो है मैंने लीव्स से ही ग्रो किया है। यानी ये हर एक एक जो आपको ये पौधा दिखाई दे रहा है ये सब मेरा लीव्स से ग्रो हुआ है। और देखें कुछ इस तरह हो जाता है, जैसे ही आपके सकुलेंट बड़े होने लगते हैं नीचे की लीव्स सूख के जो है झड़ जाती हैं और आपका प्लांट ऐसे इस तरह लगी दिखाई देने लगता है। लेकिन फिलहाल तो अभी ये इतना बुरा नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन और ये प्लांट मेरा जो है कुछ अंदर रखा हुआ था तो ये थोड़ा निग्लेक्ट भी हो गया। मैंने इसकी ज़्यादा केयर नहीं करी, बस थोड़ी बहुत वाटरिंग करती रहती हूँ मैं टाइम टू टाइम, लेकिन मैंने इसे अच्छे से देखा नहीं तो क्या हुआ कि कुछ स्टेम्स इसकी जो है डैमेज हुई हुई थी। ये देखिए इस तरह ये डैमेज हो गई है और ये नीचे से अब अच्छी तरह सूख भी गई है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए ऐसी ये ड्राई हो गई है, तो इसका मतलब ये है कि आप इस कटिंग को डायरेक्टली लगा सकते हैं। लेकिन ये वाली कटिंग देखिए ये जो है कुछ ख़राब दिखाई दे रही है, ये पूरा जो है ये नीचे से जो गल गया है इसका पोर्शन, ये मुझे क्या करना पड़ेगा। ये भी मैं इसे ग्रो कर सकती हूँ आराम से, बस मैं इसे यहाँ तक कट कर लूँगी और फिर जो है मैं इस स्टेम कटिंग को दो तीन, ज़्यादा से ज़्यादा चार दिन तक इसे सूखने दूंगी, यानी कैलस होने दूंगी, हील होने दूंगी। तो होगा क्या, ये जो मैंने कट किया है पोर्शन ये अच्छे से सूख जाएगा और फिर इसके सड़ने का या गलने का हमें डर नहीं रहेगा बाद में जब हम इसे ग्रो करने की कोशिश करेंगे। तो ये देखिए किस तरह ये गल गई थी इसके नीचे की स्टेम। और ये देखिए ये लीव्स आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने चोंच मारी है, ये सब मेरे कबूतरों के काम है। मेरे कबूतर तो नहीं है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कबूतर। मुझे एक चिड़िया नहीं पसंद है वो है कबूतर, क्योंकि ये बहुत गंदगी करते हैं फ्रेंड्स। वैसे तो मैं बहुत जो है पेट फ्रेंडली पर्सन हूँ, मुझे जानवर, चिड़िया, मछली सब अच्छी लगती है, लेकिन ये कबूतर जो है मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो इन्होंने देखिए मेरे सकुलेंट के
पत्तों का क्या हाल किया है, तो इसी को आज मैं प्रोपोगेट करना आपको दिखाऊंगी। तो ये पत्ते जो है कुछ दिनों पहले इन्होंने तोड़े थे और इनको जो है ऑलमोस्ट 5 दिन हो गए हैं यूं ही रखे हुए। तो आपने भी जब भी किसी भी सकुलेंट को लीव के थ्रू प्रोपोगेट करना है, आप क्या करना है, आप किसी भी एक लीव को ले लें। चलिए मैं आपको दिखाऊं, ये मेरी लीव सूख रही है, मैं यूज तो नहीं करूंगी, मैं इसे बस यहां से ट्विस्ट, यूं आपने ट्विस्ट करके बहुत ही डेलिकेट हाथ से ट्विस्ट करके निकाल देना है। ऑलमोस्ट किसी भी सकुलेंट को आप लीफ से प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो इस तरह आपने लीफ को ट्विस्ट करके निकाल देना है और फिर आपने इसे किसी भी शेडेड लोकेशन पे रख देना है 4-5 दिनों के लिए, ताकि ये जो पोर्शन है ये अच्छे से सूख जाए। अगर ये नहीं सूखेगा और डायरेक्ट हम यहाँ से पत्ता तोड़ के मिट्टी में या पानी में लगाएंगे तो ये नहीं ग्रो होता, इनफैक्ट जो ये पोर्शन है ये सड़ने लग जाता है, गलने लग जाता है। तो ये सारे मेरे पत्ते जो हैं 4-5 दिनों से ऐसे ही रखे हुए हैं, तो अब मैं इसे आराम से डायरेक्टली सॉइल में लगा सकती हूँ। तो मैंने इसके लिए सॉइल मिक्सचर कैसा लेना है, पहले तो सबसे पहले हम जो सकुलेंट मिक्सचर बनाएंगे उसमें आप जो है एक हिस्सा सैंड लीजिए, एक हिस्सा आप कंपोस्ट ले लीजिए या गोबर की खाद ले लीजिए, और फिर आधा हिस्सा उसका आपके पास अगर परलाइट है तो बहुत अच्छी बात है, आप परलाइट ऐड करिए और आधा ही हिस्सा इसके अंदर जो है आप कोकोपीट डालिए। इसका मिक्सचर आप बनाएंगे तो परलाइट जो है आपके सॉइल को एरिएटेड रखेगा, कोकोपीट से थोड़ी सी मॉइस्चर बनी रहेगी और सैंड जो है अपने सॉइल को जो है बहुत अच्छा वेल ड्रेन्ड बनाए रखेगा, यानी उसका ड्रेनेज सिस्टम अच्छा रखेगा। तो इस तरह जो है इसकी पॉटिंग मिक्स रेडी हो जाएगी और आपका सकुलेंट इसके अंदर बहुत अच्छे से ग्रो हो सकता है। बस आपको जो है सकुलेंट की जो ये सॉइल मिक्सचर है थोड़ी सी ह्यूमिड रखनी है, एकदम गीली नहीं रखनी है, तभी आपकी जो ये लीव्स हैं बहुत अच्छे से प्रोपोगेट हो पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि सॉइल में आपको इसको कैसे प्रोपोगेट करना है। तो ये देखिए, ये लीव्स ले ली है मैंने और ये जैसे 4-5 दिन मैंने सुखाई हुई है, बस इसी तरह आपने इनको सुखाना है और बाद में सॉइल के ऊपर इस तरह इनको रख देना है। और मेरा सॉइल ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर मिस्टिंग कर दिया है, वाटर स्प्रे कर दिया है, तो बस इस तरह मैं थोड़ा सा ये जो पोर्शन है ये सॉइल के कॉन्टेक्ट में रहना चाहिए फ्रेंड्स, इस तरह। ये हो गया, बस इस तरह आपने अपने सॉइल के ऊपर ये लीव्स रख देनी है। और क्योंकि मेरा सॉइल ऑलरेडी मॉइस्ट है तो मैं अब इसके ऊपर स्प्रे बिल्कुल भी नहीं करूंगी और बस इसे जो है मैं किसी भी सेमी शेडेड एरिया में रख दूंगी, जहां पे इसे थोड़ी बहुत दिन की लाइट मिल जाए, एकदम अंधेरी वाली जगह पे बिल्कुल भी मत रखिएगा। और जैसे ही आपको लगे कि इसकी टॉप लेयर ड्राई हो गई है, आप फिर से थोड़ा सा स्प्रे कर दीजिए, पानी मत डालिए, बस स्प्रे कर दीजिए ताकि ऊपर की जो लेयर है ये मॉइस्ट हो जाए। तो बस कुछ ही दिनों में इनमें से रूट्स निकल आएंगी और छोटे छोटे प्लांट्स भी निकलना शुरू हो जाएंगे। तो ये हो गया हम इसे सॉइल में कैसे प्रोपोगेट कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसे पानी में भी कैसे प्रोपोगेट किया जा सकता है फ्रेंड्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक ये छोटा सा कप लिया है, उसके अंदर जो है मैंने थोड़ा पानी भर दिया है और कम से कम ऊपर 1/2 इंच का मैंने गैप रखा है कप के रिम से। और मैं जो हूँ अब इसको जो है प्लास्टिक से कवर कर दूंगी इसका मुंह और सिक्योर कर दूंगी एक रबर बैंड से पहले। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह जो है मैंने अपने इस छोटे से कप को प्लास्टिक से कवर करके सिक्योर कर दिया है और अब मैं इसके ऊपर जो है कुछ होल्स बनाऊंगी छुरी की मदद। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने प्लास्टिक में छोटे छोटे होल्स बना के एक एक लीफ को इंसर्ट कर दिया है। बस आपने ध्यान रखना है कि ये जो लीफ है पानी के डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए नीचे, अगर ये कांटेक्ट में आएगी तो हमारी जो ये लीव्स हैं ये गल के ख़राब हो जाएंगी। तो जो ह्यूमिडिटी क्रिएट होती है इस तरह हमारे कप में, उस ह्यूमिडिटी की वजह से जो है नीचे से रूट्स डेवलप होना शुरू हो जाएंगी और ऊपर से इसमें प्लांट भी बनना शुरू हो जाएंगे। तो जैसे ही इनमें अच्छी रूट्स बन जाएँ नीचे और प्लांट भी छोटे छोटे बन जाएँ ऊपर, तब आप इस स्टेज पर आप अपनी लीव्स को यहाँ से निकाल कर सॉइल में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो देखा फ्रेंड्स, कितना इजी है सकुलेंट को लीव्स से या स्टेम से प्रोपोगेट करना इन सॉइल एज वेल एज वाटर। और आप भी इसी तरह जो है एक्सपेरिमेंट करते रहा करिए और देखिए कितने प्यारे प्यारे आप भी कंटेनर डिशेस तैयार कर सकते हैं इस तरह। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने पूरी भी देखी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो ज़रूर इसे एक लाइक दे दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, उम्मीद कर फिर मिलती हूँ मैं किसी और टॉपिक पर या किसी और प्यारे से प्लांट के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।